Chapter area. Question number 80. The perimeter of a rhombus is 100 centimeter and one of its diagonal is 40 centimeter. So its area is. तो इस क्वेश्चन में रोम्बस के पेरीमीटर गिवन है 100 सेंटीमीटर, P इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और रोम्बस का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो 4 से कैंसिल करेंगे तो ये 25 हो गया. सो A इज इक्वल टू 25 और हम इसके डायगोनल को लेते हैं 2d1 और इसको 2d2. So 2d1 is equal to 40. So d1 is equal to 20 centimeter. तो ये वाले हमारा d1 हो गया, ये d2 हो जाएगा और ये साइड A. So d2 is equal to root under A square minus d1 square. ए की वैल्यू है 25, 25 स्क्वायर और 20 का स्क्वायर 625 माइनस 400 इक्वल टू रूट अंडर 225, सो 15 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू d1 इंटू d2, 2d1 इंटू 2d2. सो है 2 कैंसिल, 20 into 2 into 15, so is equal to 600 centimeter square. Answer. So option B is the correct answer.